ये आनंद विहार थाने के पास काफी सारे स्लम का बच्चे हैं, काफी टैलेंटेड बच्चे हैं इनको। आप आज का जो प्रोग्राम आप देखते हुए तो आपको भी पता चला होगा इतना टैलेंट इनके बीच में है। हमारा आनंद विहार थाने में पहले से इनका जो सम्मान फाउंडेशन है, जो आनंद विहार एरिया में जो गौरव तिवारी उनके अंडर में काफी सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, ये एक टीचिंग इनको करा रहे हैं। उसमें एक दिन हमने देखा है सारे बच्चे यहाँ ओपन में लान में बैठ के वो पढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छे बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं। फिर हमने डिसाइड किया सब मिलके यार उनको एक पाठशाला बना के दे देंगे, लाइब्रेरी भी साथ में इसका सुविधा भी उसमें होगा। उस हिसाब से हमने तैयारी करके 3-4 महीने के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको साथ लेकर हमने ये बनाया है। आप अंदर से आके देखेंगे तो इसमें एक क्लासरूम भी है, एक लाइब्रेरी भी है, एक ट्रेनिंग लैब टाइप का भी है। इसमें कम से कम 50-60 बच्चे आसपास का स्लम से आके इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। इसको मैं SHO आनंद विहार को भी सम्मान पाठशाला का जो गौरव तिवारी उनका टीम का भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। बाकी जो भी जितने भी जो अच्छे इंसान इसमें जो अपने शामिल कराया उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल्ली पुलिस की तरफ से, शाहदरा ज़िले की पुलिस इसकी तरफ से। ये ऑपरेट किया जा रहा है सर, जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं क्या उनको आगे अच्छे स्कूल में या बड़े क्लास में एडमिशन कराने का भी प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? ये बच्चे सारे तो इतना टैलेंट है उनको अपने आप तो एडमिशन मिल जाती है। इनका टैलेंट देखेंगे तो कोई भी स्कूल तो इनको मना नहीं कर सकता। हमारा ज़रूरत तो इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इनका तो ज़रूरत है शुरू से इनको ठीक डायरेक्शन में इनको गाइड करने के लिए एक जहाज चाहिए। इसको हमने सम्मान पाठशाला हमने बनाया, यहाँ इनको अच्छे तरीके से फ्यूचर में जितने भी इनका कैरियर अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में, कैसे अपना बिहेवियर को ठीक रखना है उसके बारे में भी, अच्छा इंसान बनने का जो तरीका है उसको हम इनको सिखाएंगे। बाकी ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, इनका तो एडमिशन कराने में तो ज़रूर हमारा सपोर्ट तो होगा लेकिन इनका ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, मेरा उम्मीद वही है। देखिए आपको अभी हमारे DCP साहब ने बताया था कि बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, इनका टैलेंट देख के ही हमें प्रेरणा मिली कि हम समाज के साथ मिलके एक स्कूल बनवाएं ताकि इनके टैलेंट को हम नर्चर कर सकें। तो उसी हिसाब से अब आपने अभी इनका प्रोग्राम भी देखा है, आपको लगा भी होगा और हमें उम्मीद है कि लाइब्रेरी के से बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए और किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर उसे उपलब्ध कराई जा रही है? बेसिकली मैं आपको बता दूं ये बच्चों तो सरकारी स्कूल में पढ़ते ही हैं, इनका एक तरह का जैसे नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट स्कूल बच्चे ट्यूशंस पढ़ते हैं तो इनका ये है कि ये 2 से 5 के बीच में क्लास चलती है और ये आफ्टर स्कूल जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं इनके जो टीचर्स हैं इनको पढ़ाते हैं। और बच्चे बेसिकली हमारे आसपास के स्लम क्लस्टर से हैं तो बड़े सोशल बैकग्राउंड थोड़ा इनका पुअर है तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसमें कितने बच्चे हैं सर? इसमें करीब 61 बच्चे हैं। Thank you.